मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलो आज हम गुजराती प्राइमर क्लास टू स्टैंडर्ड टू के लिए स्टार्ट करेंगे। गुजराती प्राइमर में पहले से स्टार्ट करना है बच्चों, सेम वन से। ये आपकी गुजराती प्राइमर की बुक है जो ओपन करना है आपको। इसमें है पेज नंबर 5 पे अल्फाबेट है, मूलाक्षरों। यहाँ पर फर्स्ट है स्वर, तो मैं आपको स्वर दिखाती हूँ बोल के, तो आपको भी बोलना है उस तरह से। फिर कैसे लिखना है मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी आपको ओनली फिर बोलना ही है। अ से अनानास, अ से अनानास, अ अनानास नो अ, आ आगाड़ी नो आ, ई इमारत नो ई, ई इस नो ई, उ ऊपर नो ऊ, ऊ उन्नो ऊ, रु ऋषि नो रु, ए एरनो ए, आई अने बे मात्रा छे, अहीं एक ज मात्र छे, आई ऐरावत नो आई, आई ऐरावत नो आई। पछी नेक्स्ट स्पीड पर ओ उशिकानो ओ, औ औषध नो औ, अने एकमात्र बे काना औ औषध नो औ, अम अंगूठानो अम। पछी आ नीचे नु छे अह, अह अम अंगूठानो अ ने आ अह। ओके, नेक्स्ट छे कंसोनट। कंसोनट मा क कमर नो क, क कमर नो क, ख खड़िया नो ख, ग गणपति नो ग, ग घड़िया नो घ, च चकली नो च, छ छत्री नो छ। पछी ज जमरूक नो ज, ज जबला नो ज, ट टपाली नो ट, थ ठड़िया नो ठ, ड ढगला नो ड, ढ ढगला नो ढ, अण बाण नो अण, त तलवार नो त, थ थड़ नो थ। नेक्स्ट द दड़ा नो द, ध धज्जा नो ध, नण नो न, पतंग नो प, फ फटाकड़ा नो फ, पछी ब बकरी नो ब, भ ममेड़ा नो भ, म मरचा नो म, म मकर नो म, य यती नो य, र रमकड़ा नो र, र रकावी नो र, लसन नो ल, व वहाण नो व, स सर्ट नो स, षटकोण नो क्ष, ससला नो स, ससला नो स, ह हरण नो ह, अड नर नो हड, अड नर नो अड अथवा तो हड, हड नो अळ, क्ष क्षत्रियो नो क्ष, अने ज्ञ यज्ञ नो ज्ञ। हवे तमारे शुं करवानुं छे विद्यार्थी मित्रो, हवे तमारे गुजराती ने एक नोट बनावी छे ने तमे, मतलब कि एक नोट बनाई है आपने गुजराती की। ओके, तो उसमें अभी आपको स्वर वोवेल्स और कंसोनेंट किस तरह से राइट करना है मैं आपको दिखाती हूँ अभी नोटबुक में। तो उस तरह से आपको होमवर्क करना है। ओके,
ये वीडियो लेक्चर ऑनलाइन ख़त्म हो जाने के बाद में आपको होमवर्क करना है। ओके, देखो यहाँ पर है किस तरह से अल्फ़ाबेट लिखना है, हेडिंग देना है मूलाक्षरों, अल्फ़ाबेट स्वर लिखना है और फिर लिखना है अ आ ई ई उ, फिर उ रु ए ऐ, फिर ओ औ अम अह। इस तरह से आपको फुल पेज, देखो यहाँ पर मैंने अ फुल पेज लिखना है, आ ई फिर ई ऊ घू ए ऐ और फिर नेक्स्ट है ओ औ अम अह। तो आपको फुल पेज ये सारे वॉवेल्स राइट करना है, लिखना है मतलब, और फिर वॉवेल्स के ख़त्म हो जाने के बाद में आपको कंसोनेंट की लाइन लिखनी है। ओके, क फिर ख ग, अभी मैंने ये आधा छोड़ दिया है आप लोगों के लिए, घ च छ ज, इस तरह से फुल पेज लिखना है। ओके, कहाँ तक लिखना है तो आपको सारे कंसोनेंट की लाइन फुल पेज लिखनी है, ज ट ठ ड ढ अण त थ द, इस तरह से लिखना है फुल पेज। ओके, इस तरह से फुल पेज आपको लिखना है, समझ में आए बच्चों? ओके, तो घ्न तक, कहाँ तक लिखना है लास्ट, घ्न तक। ओके, ये सारी लाइन देखो आप, तो घ्न तक आपको ये आज का होमवर्क है करना है। ओके, ये हुई नोटबुक की बात, अभी आप टेक्स्ट बुक में फिर से आ जाओ। चलो यहाँ पर है मूलाक्षरों के बाद में हम नेक्स्ट हैं लेसन चलो याद करिए, लेट्स रिवाइज। तो बच्चों ये नोटबुक में नहीं लिखना है, ये ओनली टेक्स्ट बुक में करना है। ओके, समझ में आए, ये मैं करवाती हूँ वो टेक्स्ट बुक में करना है, ये नोटबुक में नहीं करना है। नोटबुक वाला होमवर्क मैंने दिखा दिया आपको किस तरह से करना है, अभी ये है टेक्स्ट बुक वाले होमवर्क। ओके, टेक्स्ट बुक में अभी मेरे साथ करते जाऊँ। ओके, चलो याद करी लइए, लेट्स रिवाइज, मतलब कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ के ही आए। ओके, तो अभी सेकंड में हो आप, तो ये आपको ओनली रिवाइज करना है। ओके, क्या करना है, रिवाइज करना है मतलब कि याद करना है, फिर से हम एक बार याद कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर है क्वेश्चन वन है, आपने अपना पेज नंबर ओपन कर लिया, दिखाई दिया आपको पेज नंबर 10 पर है ये। ओके, पेज नंबर 10 पर ये कंसोनेंट ख़त्म हो जाने के बाद में ये है। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो मेरे साथ आप भी करते जाओ, पेन पेंसिल ले लो और बैठ जाओ। ओके, यहाँ पर चित्रों ने तेमना शब्दों साथे जोड़ो, जॉइन द पिक्चर्स विद हेयर वर्ड। यहाँ पर है पिक्चर और इस साइड पिक्चर है और बीच में है उनके नेम। ओके, पिक्चर के नेम तो उसको जोड़ना है, देखो इसे हम नृप कहें, नृप मतलब के राजा। फिर ये है जिराफ, ये है समड़ी। ओके, ये है तुला, फिर ये राजा का मुकुट होता है ना मुकुट, फिर ये कुकर, फिर ये है रिक्शा, ये है जो धनुष के पणच पणच। ओके, फिर यहाँ पर है ये फानस और ये है कान। अभी मैं पिक्चर के इंट्रोडक्शन करवा दिए आपको, अभी यहाँ पर बीच में से उनके नेम पढ़ते हैं और एक साथ हम जोड़ने का जोड़ देते हैं। ओके, यहाँ पर फर्स्ट है समड़ी, तो समड़ी कहाँ पर है, ये रही समड़ी, तो आपको स्केल लेनी है और समड़ी से इस तरह से लाइन जॉइंट करके जोड़ना है ध्रुव। ओके, फिर है जिराफ, ये जिराफ। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आपको लाइन जोड़नी है, फिर कने कानों कान। ओके, फिर फानस, तो ये रहा फानस। ओके, फिर तुला, तो यहाँ पर है तुला। ओके, फिर है मुकट, मुकट ये राजा का मुकट है ना,
ओके मुकुट, फिर रिक्शा, ये रहा रिक्शा। कुकर, तो ये रही कुकर। और पणच, तो ये रहा पणच। ओके चलो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चंस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके यहाँ पर है, कौसमाथी शब्दों पसंद करे चित्रों नीचे लखो। अभी कौस में से पिक्चर को देखना है, ये काउंस, काउंस मतलब कि इन ब्रैकेट है ना, ये सारे वर्ड को पढ़ना है, फिर चित्रों के नीचे पिक्चर के नीचे इन्हें राइट करना है। ओके तो देखो पहले मैं पढ़ लेती हूँ, ईयर वर्ड, फिरकी, डाडम, शिक्षिका, वादल, अजगर, सीताफल, बुलबुल, माछली, पिपुड़ी, कुर्सी, श्रृंगार, दूरबीन, सूढ़ी, सूढ़ी। देखा बच्चों आपने, ये है वर्ड, ये है दाड़म, ये है अजगर का पिक्चर, ये है बादल, बादल मतलब कि वादल, ईयर, पची शिक्षिका, पची आँच है फिरकी, माछली, सीताफल, कुर्सी, चकली, सूढ़ी, पची आँच है पिपुड़ी, पिपुड़ी, दूरबीन, अने आँच है श्रृंगार, शू छे आ श्रृंगार। तो हवे आपणे एक पछी एक नाम लखता जाइए। ओके तो आ छे ईयर, तो ईयर अहीं लखीशू ई य ळ, बराबर छे। पछी वर्ड, वर्ड तो लिखा हुआ है। ओके पछी फिरकी, ઉત્તરાયણ માં તમે ફિરકી કરો ને, ને પતંગ અને ફિરકી, તો અહીં ફી ર કી લખો જોઈએ તમે પણ। ઓકે પછી નેક્સ્ટ છે દાડમ, તો અહીં દા ડ મ, બરાબર છે। પછી છે શિક્ષિકા, તો અહીં લખવાનું સી શી કા। પછી છે વાદળ, તો આ રહ્યા વાદળ, અહીં લખવાનું વનિકાનું વા દ અળ। પછી છે અજગર, અહીં લખવાનું અ જ ગ ર। પછી લખવાનું સીતાફળ, સીતાફળ એ ફળ છે, બરાબર છે, સી તનિકાનું તા ફ અળ, બરાબર છે। પછી છે બુલબુલ, તો આપણે બુલબુલ ક્યાં છે પિક્ચર, આ રહ્યું, જુઓ આ અહીં છે બુલબુલનું પિક્ચર, શું છે આ બુલબુલ, ચકલી જેવું દેખાય છે ને બાળ મિત્રો, તો એને આપણે બુલબુલ લખીશું અહીંયા, બુલ બુલ। પછી છે નેક્સ્ટ, અહીં ટીક કરતા જઈએ ને એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે કયું અક્ષર બાકી રહી ગયું છે। તો હવે માછલી, મનિકાનું મા છલી, તો અહીં લખવાનું મા છ લી, બરાબર છે। પછી છે પીપુડી, આપણે પીપુડી વગાડીએ મેળામાં જઈએ તો પીપુડી વગાડીએ, બરાબર છે, તો પી ઉ ડી પીપુડી, બરાબર છે। પછી છે ખુરશી, તો અહીં છે ખુરશી, આ રહી છે ખુ ર સી। પછી છે શૃંગાર,
શૃંગાલ અહીં છે, આ રહ્યું શૃંગાલ, પછી છે દૂરબીન, તો અહીં ક્યાં છે દૂરબીન, આ રહ્યું છેલ્લે, બરાબર છે, દૂ ર બી ન, પછી છે સુડી, તો અહીં છે સુ ડી, બરાબર છે. આ થઈ તમારી એક્સરસાઇઝ બે, ક્વેશ્ચન નંબર બે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, તમારે લખવાનું છે, બરાબર છે. પછી છે ક્વેશ્ચન નંબર ત્રણ, શબ્દો વાંચો અને લખો, રીડ ધ વર્ડ્સ એન્ડ રાઇટ ધેમ, બરાબર છે. ચલો આપણે વાંચતા જઈએ અને લખતા જઈએ, બરાબર છે. તમે પણ મારી સાથે લખતા જવાનું છે. ફળ, તો ફ અળ, પછી ઢગ, તો અહીંયા લખવાનું છે ઢ ગ, પછી બટન, તો બ ટ ન, પછી જઠર, તો જ ઠ ર, પછી ભજન, તો ભ જ ન, દશરથ, તો દ સ ર થ, પછી ઘડપણ, તો ઘ ડ પ ણ, ઘડપણ, પછી અનિકાનો આ ગ, અનિકાનો આ ગ, પછી માસા, મનિકાનો મા સા, પછી કબાટ, ક બા ટ, પછી નમાજ, ન મા જ, પછી પહાડ, તો પ હા ડ, પછી તાપમાન, તો તા પ મા ન, પછી છે રામાયણ, રા મા ય અણ, પછી વિષ, વી શ, પછી યતિ, તો અહીંયા લખવાનું ય તી, પછી વી ચા ર, દા રી યા, પછી છે મિનિટ, મી ની ટ, બી યા ર અણ, પછી ની ય મી ત, પછી લખવાનું તી ખી, પછી ભનિકાનો ભા જી, પછી ખી ચ ડી, નેક્સ્ટ છે મ ર ઘી, પછી સા અણ સી, પછી નેક્સ્ટ છે ધ નુ શ, પછી ચ પ રા સી, નેક્સ્ટ છે ઝા
डू। नेक्स्ट है च रू, जू वा र, भा वू क, उ डा र, अ नू भ व, कुदरती कुदरती, जू ठ, अच्छी से छाबड़ी, शू कहवाय ने छाबड़ी, छा ब डी, पछी भू मी ती, सु त र, पछी श त्री य, पछी ज्ञा नी, कु टू अ ल, रू शी, रू श ब, पची रू श क। अवे क्वेश्चन नंबर 4, वाचो अने लखो, रीड द सेंटेंस एंड राइट। चलो पहले हम ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा, ओके, तो पहले हम पढ़ लेते हैं, बाद में आप लिख लेना, ओके। इस तरह से चलो पहले मैं पढ़वा देती हूँ, ओके, रीड करना है पहले। अजय सरस लक, तो तुम्हारे लखवानु छे अजय सरस लक, पछी झलक झटपट जम, तो अहीं लखवानु तमारे झलक झटपट जम, बराबर छे। काळा काळा कागड़ा, तो अहीं लखवानु काळा काळा कागड़ा, बराबर छे। हवे आपणे बधा शब्दो वाक्य वाँची लईए, पछी तमारे एंडमां लखी नाखवानुं, बराबर छे। आशा साक वघार, विमल टिकिट लाव, अमित विज्ञान भणाव, बिना मीठी खीर खा, शीतल कड़वी टिकड़ी गड़, सुभाष जादू बताओ, भानु आबू जा, कुसुम पुलाव खा, रूपा चूरण चाट, उषा बूमा बूम न कर, मयूरी झूला पर झूल, कृणाल आकृति बनाओ, बराबर छे। तो हवे आ तमारे बधुं टेक्स्टबुक में लखवानुं छे, बराबर छे। अत्यारे नोटबुक में नथी लखवानुं, नोटबुक वाळुं वर्क में अलगथी आपेलुं छे, बराबर छे। बाय बाय, टेक केर, सी यू अगेन।